विश यू हैप्पी बर्थडे है, क्या कुछ कहना चाहोगे? अरे बस की बोल, अदनान का बर्थडे है और हमारा बेशक ऑब्वियसली था, बिकॉज अदनान मुझे याद है जब से स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में। मुझे एक बार यहाँ पर किसी कॉफ़ी शॉप में मिले थे और वहाँ पर वो वॉशरूम के लिए आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरा बर्थडे है, आप चलोगे क्या? और उस वक्त मैं बिज़ी था और मैं नहीं आ पाया था, बट उन्होंने हमेशा डे वन से लेके आज तक बहुत रिस्पेक्टफुली बात की है और जितना भी उन्हें तरक्की मिली है बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली हमेशा से कर रहे हैं। सो या तो उनका बर्थडे आना जरूर। फैजल, एल्विश का गेम कैसा लग रहा है? मैंने अभी जस्ट सवाल पूछा था, एल्विश जो सिस्टम हिल रहा है काफ़ी ज़्यादा, आप अगर कुछ इस पर रिएक्ट करोगे, सिस्टम किस तरह से देख रहे हो आप? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत टाइम से बिग बॉस नहीं देख पा रहा बिकॉज मैं शिफ्टिंग में बिजी था अपने घर की। मैंने कुछ पोस्ट भी किया था उसके बारे में। एल्विश का गेम जब से मुझे पता चला कि वो एंटर किया है, मुझे लगा कि अब मज़ा आएगा बिग बॉस में, बिकॉज पुनीत सुपर स्टार को आई गेस निकाल दिया था स्टार्ट में और मैंने वो एपिसोड देखा था, बट मुझे रीज़न थोड़ा सा वैलिड नहीं लगा बिकॉज बहुत कम आवर्स में वो निकल गए। उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि वो आएंगे, बट उसके बाद एल्विश आया तो आई गेस। बट क्या आपको लगता है कि एल्विश पहले वाइल्ड कार्ड एंट्री जो बिग बॉस के इतिहास में आज तक वाइल्ड कार्ड एंट्री कोई जीता नहीं है, एल्विश यादव पहले वाइल्ड कार्ड एंट्री बनेंगे जो जीतने वाली? मुझे ऐसा लगता है जितने मैंने रियलिटी शोज किए हैं और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वाइल्ड कार्ड हमेशा से ये स्टीरियोटाइप चला है कि जीतता नहीं है, बट सच में इस बार फीलिंग आ रही है कि एल्विश जीत जाएगा। अभी मैंने रिसेंटली ट्वीट भी किया था कि अभिषेक या तो फिर एल्विश में से कोई जीतेगा, अब देखते हैं क्या होता है। बट फैजल, यू नो अदनान ने अपने बर्थडे के रिटर्न गिफ्ट में एल्विश को चूड़ियां दिए हैं लाल चूड़िया। वो जिस तरह लड़कियों से लड़ रहे हैं, हमने तो नहीं देखा कि वो लड़कियों से लड़ रहे हैं, बट उनका कहना है कि वो लड़कियों से लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि उनका पुराना रिवेंज है कुछ कि उनके रोस्ट कर रहे हैं। सी, इनका जो हिस्ट्री है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, बट अब अदनान भी मेरा दोस्त है, एल्विश जिनको मैं जानता नहीं हूँ, बट शायद आगे शायद दोस्ती हो जाए या पता नहीं। बट उसके अलावा अगर उन्होंने चूड़ियाँ दी है तो भाई उनका डिसीजन है, वो उनकी बॉन्डिंग होगी उनके साथ जो भी पास्ट में उनका हुआ होगा, अदनान का और एल्विश का। और जितना मैंने देखा है कि अदनान जब भी ऐसी कोई चीज़ें होती है वो आती है, एक फेज आता है और फिर निकल जाता है, तो आई होप कि ये नफरत से ज़्यादा मुझे लगता है शायद प्यार हो जाए तो अच्छा है दुनिया में। लास्ट क्वेश्चन फैजल, इस बार बिग बॉस 17 में क्या आप नजर आ सकते हो? यस, बड़ा सवाल। आपको क्या लग रहा है, अभी तक कुछ कर क्यों नहीं रहा? बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, आई डोंट नो, लेट्स सी, आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। मुझे बस ये हवा नहीं करनी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को भी तब तक चीज़ें नहीं बताता जब तक मैं उस शूट पर नहीं चला जाता। बट भाई, आपने 3 साल पहले, मुझे याद है, आपने कहा था कि नेक्स्ट ईयर जाऊंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जाऊंगा, ये साल कंफर्म है? एक हंसी दे दीजिए, हम कंफर्म समझ लेंगे। देखो, मैं अपनी तरफ से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके, सर हमें शो कर रहे थे जी। हाँ, मैं शो कर रहा था, इस बार नहीं कर रहा, इसीलिए बताऊँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर गलती से चला गया मैं तो आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत होगी, सो प्लीज़ पक्का सपोर्ट है भाई, विजुअल